पढ़ा हुआ लंबे समय तक कैसे याद रखें और इसके पीछे कौन से वैज्ञानिक तथ्य हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो आपकी सोच से परे होगा। दोस्तों, मान लो कि मैं आपसे ये कहूँ कि आपको 50 किलोमीटर तक अपनी कार में जाना है और आपको रास्ते में आने वाली सभी गाड़ियों की गिनती करनी है कि आपने जाते वक्त कितनी गाड़ियाँ देखी और आते वक्त कितनी गाड़ियाँ देखी। आपको क्या लगता है, आपको सबसे अच्छी कौन सी गाड़ियाँ याद रहेगी? दोस्तों, आपको सबसे अच्छी तरह से केवल दो ही गाड़ियाँ याद रहेगी, एक वो जो आपने सबसे शुरुआत में देखी थी और दूसरी वो जो आपने सबसे लास्ट में देखी थी। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक बार फिर से गाड़ी लेकर जाओ और इस बार केवल 1 किलोमीटर तक ही जाना है और रास्ते में आने वाली गाड़ियों की गिनती करना है, तो आप आसानी से 1 किलोमीटर तक आने वाली सभी गाड़ियों को याद कर लोगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1 किलोमीटर में आप कम समय में बिना बोर हुए गए, लेकिन पहले जब 50 किलोमीटर तक गए तब आप बोर हो गए थे और गाड़ियों को गिनते गिनते थक चुके थे। दोस्तों, उसी तरह वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि आपको किसी भी काम में सबसे शुरुआत का और सबसे आखिरी का टाइम का किया हुआ काम अच्छे से याद रहता है। उसी तरह पढ़ाई करते वक्त भी आप यही गलती करते हो, आप एकदम से बड़ा गोल बना लेते हो कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है और 3 घंटे अगर मन मार के पढ़ भी लोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद करने से लंबे समय तक याद नहीं रहती। जब आप 50 किलोमीटर तक गए थे तब आपको रास्ते में आने वाली गाड़ियाँ याद नहीं थी, लेकिन जब आप 1 किलोमीटर तक गए तो आपको सब याद था। और यही बात पढ़ाई में भी लागू होती है, इसलिए अगर आपने दिन भर में 3 घंटे पढ़ने का गोल बनाया है तो एक बार में 3 घंटे मत पढ़ो, बल्कि गैप करके पढ़ो, हर 1 घंटे के बाद ब्रेक लेकर पढ़ो, तभी आप एक क्वालिटी वाली स्टडी कर पाओगे और मेरी गारंटी है इस तरीके से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहेगा। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि इसी तरह से एक और बेहतरीन स्टडी टिप्स आपसे शेयर करूँ? अगर आप एक और बेहतरीन टिप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हम आपसे जल्दी मिलेंगे एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।